आपने जैसा कहा कि सड़क पर लोगों के नमाज पढ़ने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप लोग भी तो 24 घंटे सड़कों को और गलियों को और रोडों को जाम करते हो, हैं? पूरी पूरी रात जागरण होता है, हैं? पूरे पूरे होता है। देखिए 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 सुनिए आप देखिए 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 हम लोग घर में भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते हैं, अगर मौका नहीं मिला तो रोड पे चादर फैलाकर कोई कीर्तन भजन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहना है कि भाईचारा जो है वो कमी आ गई है। कमी सिर्फ इसलिए आया है कि भाईचारा इसलिए, अभी आपको गुजरात में एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है भाईचारा का। म्युनिसिपैलिटी ने एक नोटिस दिया मस्जिद को भी, अगर आपके पास इसका सबूत है तो आप पेश करिए। 600 लोगों ने पुलिस की टीमों पर पथराव किया, इतना हमला कर दिया, तो आप ये भाईचारा है, इसको भाईचारा बोलते हो? अब कहीं पर आदमी नमाज पढ़ रहा है, किसी के एक नमाज पढ़ने से आपको क्या दिक्कत है? मैंने 20 साल सिख की कंपनी में, फार्मा कंपनी में काम किया है, जैक्सन पॉल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में एज अ सिस्टम एडमिन। मैं तो चेयरमैन के कमरे में नमाज पढ़ता था। नहीं, मदान साहब हैं ओकलैंड इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी पूरी बिल्डिंग है, मेरा आईटी का काम है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का। यानी आप तो कहने का मतलब है कि जब से 9 साल से सरकार आई है कि भाईचारा जो है वो खराब होता जा रहा है। हाँ, ये इसका नफरत का एक बीज बोया गया है, जिसकी वजह से आज लोगों में आपस में नफरत है। जो लोग दो, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो आपस में, एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। क्या नफरत है? नफरत क्या है? सालों में नफरत का बीज गलत बोलते हैं ना। अब क्या है कि आदमी उस बात को कहने लगा है कि भाई आपको जब अधिकार है तो दूसरे लोग भी बराबर होने चाहिए ना, वो भी तो चाहिए कि भाई एक ही आदमी का तो नहीं है। अगर उसके लिए आदमी अगर आवाज उठा रहा है तो उनको कैसे लगता है कि भेदभाव हो रहा है? सड़क पे कोई नमाज पढ़ रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? पहले से तो एक काम चल रहा है, इसलिए हो रही है कि उसकी वजह से रोड जाम हो रहा है, उसकी जगह से आवाजाही पर रोक जाम होता है। आप देखिए, मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ पर गोविंदपुर से आगे कालका जी में मेन रोड पर नमाज पढ़ा जाता है। जिस टाइम तक नमाज पढ़ा जाता है उस टाइम तक रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उसमें कितने लोग परेशान होते हैं, इनसे उसे मतलब नहीं है। नमाज पढ़िए, घर में पढ़ने से नमाज में अल्लाह नाराज होगा, मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होगा? अगर इनकी ये सोच है तो ये गलत सोच है। हम लोग घर में भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते हैं, अगर मौका नहीं मिला तो रोड पर चादर फैलाकर कोई कीर्तन भजन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहना है कि भाईचारा जो है वो कमी आ गई है। कमी सिर्फ इसलिए आया है कि भाईचारा इसलिए, अभी आपको गुजरात में एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है भाईचारा का। म्युनिसिपैलिटी ने एक नोटिस दिया मस्जिद को भी, अगर आपके पास इसका सबूत है तो आप पेश करिए। 600 लोगों ने पुलिस की टीमों पर पथराव किया, इतना हमला कर दिया, तो आप ये भाईचारा है, इसको भाईचारा बोलते हो कि एक नोटिस पे आप देखिए हाँ देखिए, जो इन्होंने, क्या नाम है आपका? नहीं, आप नाम पे मुझे नाम तो बताइए, क्या दिक्कत है? देखिए, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है। आप अपने नाम तो बता दीजिए। मेरा अवधेश कुमार है। क्या प्रॉब्लम? अवधेश कुमार है मेरा नाम। अवधेश कुमार, बताइए। हाँ, अवधेश कुमार जी, अवधेश जी, आपने जैसा कहा कि सड़क पर लोगों के नमाज पढ़ने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप लोग भी तो 24 घंटे सड़कों को और गलियों को और रोडों को जाम करते हो, हैं? पूरी पूरी रात जागरण होता है, हैं? पूरे 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 होता है। देखिए 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 सुनिए आप देखिए 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 सुनिए देखिए सुनिए देखिए सुनिए आप अगर एक पहलू देखें तो दूसरा पहलू भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो एक पहलू, सड़क की बात, सड़क की बात और गली की बात से आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो 600 लोगों ने पुलिस के टीम पर पथराव किया, बड़े बड़े बोल्डर पुलिस की गाड़ियों में फेंका, क्या वो एकता का प्रतीक है? क्या वो यूनिटी को दर्शाता है? सुनिए, देखिए, अपराध कोई भी चीज हो, अवधेश जी, सबको हटाना चाहिए। अवधेश जी, मेरा मानना ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या सिख ईसाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो बोलिए, पूछिए सबसे। मिल रहा है, सब सहमत होना ही चाहिए, हम लोग भी यही चाहते हैं, सब सहमत हैं। मैं भाव सुनिए, अवधेशी, अवधेशी, सजा मिलने लगता है तब उस कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ होने लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल तकलीफ तमाम लोगों को हो रही है भाई साहब, अगर किसी जात विशेष के लोगों को। देखिए अवधेशी, मेरा कहना ये है कि अगर आपने गुनाह किया है, आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है।
मायने ये रखता है कि आपने गुनाह किया है और आपको उस गुनाह की सजा देश के कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। अनवर भाई बदला होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जितने पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है जी, मुझे एक आदमी बता दिया, सब यहाँ पर ऐसे लोग हैं नेहरू प्लेस में, मैं एक एक आदमी को जानता हूँ, लोग किस फैमिली से बिलोंग होकर यहाँ पर मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं, तब जाके 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह घर में जाती है तो चूल्हा जलता है। मुझे ये बता दीजिए कौन सी ऐसी पार्टी इस दुनिया के अंदर है, अगर ये अवधेश कुमार जी अगर 15 दिन मेहनत ना मजदूरी ना करके इनके घर में कौन चूल्हा जलाएगा, इसका जवाब पूछिए इनसे। मैं तो अनवर जी आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आप ही बता दीजिए, हर पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा बनती है, कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम, मेरा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम हमें वोट देगा, केजरीवाल जी कहते हैं कि मुस्लिम हमें वोट देगा, अब एक नए मसीहा आ गए, एक नए मसीहा आ गए ओवैसी जी। देखिए ऐसा है ये सारी, देखिए जितनी पार्टियां हैं वोट बैंक की राजनीति करती हैं, उन्हें जहां से वोट मिलना होता है उनका वोट ले लेती हैं और अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बात को देखिए, बात यहाँ पर है कि आप किस पक्ष में, अभी मैं भी यही बोल रहा था कि मुस्लिम अगर गुनाहगार है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तो अब बात यह कि जो आप बोल रहे थे कि नफरत फैला रहा है, नफरत कौन फैला रहा है, कोई देखिए बीजेपी के कोई भी नेता ने नफरत नहीं फैला, नफरत फैलाने वाले लोग ओवैसी जैसे लोग होते हैं जो नफरत फैलाते हैं, ओवैसी लोग जो होते हैं। मैन मुद्दे बाजी, हमारा जो मैन मुद्दा है सुनिए सवाल सुन लीजिए, 9 साल सरकार को हो गए, क्या क्या दिक्कतें आपको हुई, महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या आप लोगों को समस्या रही, मैन सवाल ये है। बेरोजगारी की दिक्कत तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर मजहब के लोगों को हुई, पूछ रहे हैं हम, सबकी हुई, सबको दिक्कत हुई है, ठीक है। जितने लोग नेहरू प्लेस में कारोबार करते हैं, मैं 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं जिनसे मैं परचेजिंग करता हूँ, ठीक है। हर एक आदमी दिक्कत में है, यहाँ की एक एक शॉप जो है 10x10 का, उसका आप किराया पूछोगे तो 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार है, उससे पूछिए आप जाके कोई किराया कितनी मुसीबत से निकाल पाता है, कमाना और प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है। तो जो आपने बात कही कि लोग बेरोजगारी और दिक्कतें, तो सबके साथ हैं, कोई इससे मतलब फारिग नहीं है, कोई इससे मतलब बचा हुआ नहीं है कि लॉकडाउन के बाद कि मतलब उसको नौकरी की दिक्कत ना हो, कारोबार की दिक्कत ना हो, हर एक आदमी परेशान है। मतलब सरकार का जो फोकस है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, हाँ, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, देश का नाम हो। अभी क्या कर रहे हैं आप, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे पूरे वर्ल्ड को आप, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ इसका दिया है? नहीं सुनिए, मैंने बोला नहीं सुना, नहीं कहा है कि हमारे बच्चे क्यों इंग्लिश स्कूल में जाएं पढ़ने, हमें नहीं पढ़ना है वो सब, हमें सीखना ही नहीं इंग्लिश, हमें हिंदी जाना ही नहीं स्कूल में, आपके किसी, नहीं मैं आपके नहीं बोल रहा, किसी मौलाना ने कहा है ना ये सब, अभी कल परसों की बात है। इनके सवाल का जवाब दूंगा, आप मुझे बताइए, अभी 2023 चल रहा है, क्या चल रहा है 2023, 2021 में आईएएस के टॉपर कहाँ से हुई थी बताइए आप मुझे, आप बताइए, बताना पड़ेगा आपको। नहीं अनवर जी मुझे एक बात बताइए, अभी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, 2021 में आईएएस टॉपर दिल्ली से कौन हुई थी बताइए आप मुझे, मालूम है आपको, जामिया के आरसीए से फ्री कोचिंग करके श्रुति शर्मा आईएएस टॉपर बनी थी, समझ गए। आप किसी एक मौलाना की बात को लेकर बैठ जाते हैं, जो पांच, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, बात के लिए बोल रहे हैं, हाँ, नहीं पढ़ाना अपने बच्चों, हाँ, को, वो ऐसा बोल रहे हैं, अगर देखिए किसी इंडिविजुअल को किसी, यही समस्या, हाँ मेरी बात सुनिए, समस्या यही है कि हर चीज को आप अपने हिसाब से ना जोड़े, इंडिविजुअल क्या होता है बताइए, नहीं ले रहे हैं, नहीं नहीं अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले रहे हैं, सुनिए मेरी बात भी सुनिए आप, किसी ने अगर ये बात मीडिया में कही है या आपने ये बात सुनी है, देवंश से बोली गई है सर, देवंश से बोली, नेशनल चैनल पे अगर ये बात कही गई है तो उनका अपनी जाति राय हो सकती है, जाति राय तो बहुत लोग देखते हैं, इसका मतलब क्या है यही लोगों की वही राय है, हर बात तो वही होती है, तो इसका पर्सनल अपना निजी उसका मतलब वाक्य नहीं, निजी राय नहीं, आप उसको, चलिए ठीक है, आप क्या कह सकते हैं,